नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। खबर रोहतास से है, जहां पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। डबल मर्डर केस का बड़ा ही सनसनीखेज उद्भेदन किया है पुलिस ने। रोहतास पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बीते 18 जुलाई को विक्रमगंज थाना क्षेत्र के धारूपुर में हुए डबल मर्डर केस यानी दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में शामिल 3 बदमाशों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। हत्या के पीछे आपसी रंजिश और गैंगवार को कारण बताया जा रहा है। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त विकास पंडित सहित 3 अपराधियों को पकड़ा है। विकास पंडित विक्रमगंज के धारूपुर का ही रहने वाला है। इसके अलावा चंदन कुमार और विकास कुमार की भी गिरफ्तारी हुई है। पकड़े गए तीनों अपराधी धारूपुर का ही निवासी है। क्या कुछ कह रहे हैं SDPO विक्रमगंज के कुमार संजय, सुनिए। विकास कुमार और विकास पंडित, उम्र 24 वर्ष, पिता दिलीप पंडित, ग्राम धारूपुर, थाना विक्रमगंज, जिला रोहतास। दूसरा चंदन कुमार, उम्र 19 वर्ष, पिता भरत सिंह, ग्राम धारूपुर, थाना विक्रमगंज, जिला रोहतास। तीसरा है विकास कुमार, उम्र 20 वर्ष, पिता स्वर्गीय सत्येंद्र सिंह, ग्राम धारूपुर, थाना विक्रमगंज, जिला रोहतास। इन लोगों के पास से एक 7.65 का पिस्टल, 4 जिंदा गोली, 3 मोबाइल और 1 पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इसमें तीनों जो पकड़े गए अभियुक्त हैं, सबका आपराधिक इतिहास है। विकास कुमार उस विकास पंडित पूर्व में 5 कांडों में जेल जा चुका है, जिसमें लूट, चोरी, हत्या, आर्म्स एक्ट, डकैती के कांड हैं। चंदन कुमार चोरी के केस में पहले जेल जा चुका है, जिसमें इसके पास से चोरी का सामान भी बरामद हुआ था। विकास कुमार, तो सुना आपने कुमार संजय को, SDPO विक्रमगंज बता रहे थे डबल मर्डर केस के बारे में, सनसनीखेज उद्भेदन कर रहे थे। बक्सर जिले के सिमरी थाना के खड़हना का रहने वाला हिमांशु कुमार और बक्सर के ही मुरार का रहने वाला विनय कुमार यादव 18 जुलाई को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। 2 साल पहले मृतक हिमांशु कुमार पर रॉकी नामक अपराधी ने एक लड़की के मामले में फायरिंग किया था। इस मामले में जेल में बंद रॉकी ने विकास पंडित के माध्यम से हिमांशु की हत्या करवा दी। पकड़ा गया अपराधी विकास पंडित पहले से ही विक्रमगंज थाना क्षेत्र में 5 अलग अलग मामलों में आरोपी है तथा जेल भी जा चुका है। वहीं पकड़ा गया चंदन कुमार और विकास कुमार का भी आपराधिक इतिहास है। विक्रमगंज के SDPO कुमार संजय ने बताया कि इन लोगों के पास से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद हुआ है, जिसका अपराध में प्रयोग हुआ है। सासाराम से रंजन की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।